घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा, आखिरकार सत्ता तक पहुंच गए केजरीवाल, मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ, कहा सभी समस्याओं का समाधान नहीं और नहीं है कोदू की छड़ी। और बीजेपी नेता नितिन गडकरी का बड़ा खुलासा, दिल्ली में सरकार बनाने के लिए एक बड़े उद्योगपति ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कराई थी डील। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने खुलासा किया कि ये सरकार बनवाने में एक उद्योगपति की अहम भूमिका थी और ये डील कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच करवाई गई थी सरकार बनाने के लिए। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने जो शपथ लिए उन्होंने क्या क्या बातें कही वो आपको हम दिखाते हैं। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले उन्होंने दिल्ली की जनता को साफ साफ बता दिया कि देखिए आपने हमें वोट दिया, हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन आप ये उम्मीद न करें कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, हम घुमाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, और न ही तो सारी समस्याओं का हमारे पास समाधान है। सुन ले अरविंद केजरीवाल जी को। दोस्तों हमें ये बिल्कुल गुमान नहीं है, हमें ये बिल्कुल घमंड नहीं है कि सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। हमारे पास सारी समस्याओं का समाधान नहीं है, भगवान ने सारी बुद्धि हमें नहीं दी है, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सरकार बनेगी और कल सारी समस्याओं के समाधान हो जाएगा। लेकिन हमें यह पूरा यकीन है कि अगर 1.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हम लोग मिलकर नहीं निकाल सकते। केजरीवाल ने अनशन पे भी अपने जैसे अनशन से निकल के वो सत्ता के दिल्ली के सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं, उस अनशन पे भी उन्होंने कुछ बातें कही है। क्या क्या बात कही वो आपको हम दिखाते हैं। अनशन किया, धरने किए, प्रदर्शन किए, सब कुछ किया, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे साफ हो गया कि जब तक इस देश की राजनीति नहीं बदली जाएगी तब तक इस देश को सुधारा नहीं जा सकता, इस देश की राजनीति बदलनी पड़ेगी। और जिस इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो सबसे बड़ी सीढ़ी जिसका सहारा उन्होंने लिया था वो है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार को लेके उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको हम सुनाते हैं। आज हम सब लोगों ने मिलके, इस देश की जनता ने मिलके, दिल्ली की जनता ने मिलके बड़ी बड़ी ताकतों को ललकारा है, भ्रष्ट ताकतों को ललकारा है, सांप्रदायिक ताकतों को ललकारा है। दोस्तों ये सारी ताकतें चुप नहीं बैठने वाली, ये हमारे सामने तरह तरह की अड़चने अड़ाएंगी। मुझे कई सारी खबरें मिल रही हैं, अभी उनका जिक्र करना यहाँ ठीक नहीं है, ये तरह तरह की अड़चने अड़ाएंगी। लेकिन दोस्तों सच्चाई का रास्ता कोई आसान रास्ता तो होता नहीं है, सच्चाई का रास्ता तो कांटों भरा होता है। जैसे आज तक हम लोग सारी चुनौतियों का सामना करते आए हैं, उसी तरह से दिल्ली की जनता मिलके आने वाली सभी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल मेट्रो से चले, जिस मेट्रो में वो बैठे थे उस पर आम आदमी सफर नहीं कर पाए। आम आदमी की पार्टी की सरकार जरूर बनी, लेकिन जो कठिनाई आम आदमी को आज जिससे गुजरना पड़ा वो भी कुछ बातें हैं जिस पे कि हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले उपेंद्र जी आपके पास आते हैं, आज आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुना, शपथ लेने के बाद उन्होंने संबोधन किया, क्या लगा जो उम्मीदें उन्होंने दिल्ली के लोगों के मन में जिन बातों को लेके उनको उनका समर्थन हासिल किया उनके प्रति उनकी प्रतिबद्धता आपको कितनी दिखी? ये जो जादू की छड़ी वाला मुहावरा है जी, इसका इस्तेमाल पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने किया था जी, फिर पता नहीं कितने लोगों ने इस मुहावरे का इस्तेमाल किया होगा कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो इस शब्द का, इस जुमले का, इस जो मुहावरा है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद पता नहीं कितने लोगों ने, खासकर जो पहली बार सत्ता में आए हों, इस शब्द का इस्तेमाल किया कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। तो यह एक ऐसा स्टेटमेंट से लगता है कि नेता है जो मुख्यमंत्री है या जो प्रधानमंत्री जो जिम्मेदारी के पद पर है, अपनी जिम्मेदारी से
अपने को थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे ऊपर तो जिम्मेदारी है लेकिन अपने को हल्का महसूस करने के लिए। तो ये जाहिर है कि जादू की छड़ी तो इनको पहले भी पता था कि नहीं होती है, होती ही नहीं जादू की छड़ी कोई, सही बात है। तो अब ये इन्होंने जो आज कहा है तो उन्हीं उम्मीदों को फिर और आगे जगाया है। अभी एक तो एक अगर कि हम पूरी तरह से सक्षम नहीं है उसको पूरा करने के लिए, ये फिर जगा दिया है एक एब्स्ट्रैक्ट बात को कहिए कि सभी लोगों के सहयोग से, 1.5 करोड़ लोगों के सहयोग से हम सारी समस्याओं का हल कर लेंगे। तो यह एक एब्स्ट्रैक्ट, इसको हिंदी में बहुत हवाई बात भी कहते हैं जी, वह भी उन्होंने कही है। तो जो भी नेता जीतता है तो ये कोई ऐसी लीक से हटकर बात नहीं की है, अभी तक जो बात कर रहे हैं वो लीक की ही बात है। कोई दूसरी पार्टी का नेता भी या दूसरी पार्टी भी कभी पहली बार सत्ता में आती है, किसी राज्य में सत्ता में आती है जो कभी सत्ता में नहीं रही है, तो कुछ इसी तरह की बातें करती है। अब आगे आगे करेंगे क्या, अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उनको कितना करने का टाइम मिलता है और क्या करते हैं उस बीच, वो कैसा उनसे हो पाता है, क्योंकि मशीनरी के वो हेड हैं। ये सही है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने मन से नहीं कर पाता, पूरा एक मशीनरी होती है नीचे से ऊपर तक, उस मशीनरी के शीर्ष पर बैठा हुआ वह व्यक्ति रहता है। तो वो मशीनरी को कैसे मोटिवेट करके कौन सा डायरेक्शन देगा, उसके इशारे पर चलती है जो मशीनरी है, तो दोनों के बीच में कैसा तालमेल बैठता है और कितना वो कर पाते हैं, कैसी नीतियाँ अपनाते हैं, नीतियों को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, फिर वो मशीनरी भी कभी कभी समस्या पैदा करने लगती है, उधर डिस्टर्बेंसेज होते हैं, वो पैसे बढ़ाने के लिए मांग करते हैं, कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनका यूनियनिज्म है, एसोसिएशन बना हुआ है, उस पर से कार्रवाई बंद करो, खिलाफ करना, फिर अपनी मांग तो कि आप ये कह रहे हैं कि वो जो उम्मीद जगाई थी, जो बात थी, वो कहां ना, वो तो किस तरफ नजर आपको जाते हुए नजर आ रही है। आपने कहा कि आपने और एक, उन्होंने कहा हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, ये कह के उन्होंने कुछ और उम्मीद आगे के लिए भी बनाई है। हाँ, मतलब है कि अपनी जो अपने को जिम्मेदारी से थोड़ा मुक्त करते हुए लोगों की और जिम्मेदार को और जगा दी है। अभी भी वो ये जगा कर इसलिए कि हम सारी समस्याओं को हल कर देंगे आप लोगों की सहायता से, या आप लोग अगर मान लिया अगर विफल रहे तो माना जाए कि 1.5 करोड़ लोगों ने मिल करके काम नहीं किया, विफलता 1.5 करोड़ लोगों की होगी, सफलता होगी, तो चलिए हमारी सफलता होगी। मिर्ज़ा जावेद अली साहब है, कांग्रेस के नेता है, चुनाव भी लड़े मटिया महल से, दूसरे नंबर पे थे, बहुत कम वोट से हारे, और आखिरकार हारने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने इनका वोट भी काटा, लेकिन आखिरकार आम आदमी पार्टी को इन्हें समर्थन देना पड़ा। मिर्ज़ा साहब जी, किस तरफ जाते हुए दिख रही है आम आदमी पार्टी की सरकार जिसे आप समर्थन दे रहे हैं? देखिए, हमने आम आदमी पार्टी को ना समर्थन दिया है, हमने उनकी मुद्दों को समर्थन दिया है, जो वादे उन्होंने जनता के साथ करे हैं और जनता ने जिस उसको वोट दे के मैंडेट दे के लाया है, हमने उसके मुद्दों के ऊपर उनको समर्थन दिया है। अगर आज वो अपने जो प्रोग्राम जो 18 पॉइंट बताते हैं उससे हटकर कोई बात करने खड़े होंगे या जो जनता के खिलाफ कोई बात करी जाएगी, हम उसके ऊपर है ना उनको समर्थन नहीं देंगे। दूसरी चीज़ ये कि अभी जैसे उपेंद्र जी बताना चाह रहे थे, उन्होंने आज दोबारा से अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाते हुए आम आदमी मतलब पब्लिक के ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी है कि आप अगर करोगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि उनके अंदर खुद इस चीज की क्षमता नहीं है कि कुछ कर पाएंगे, ना उनको उम्मीद है इस बारे में, वो खुद अपने तो अंदर आप समर्थन देने की बात क्यों सोच रहे हैं? अगर आपको लगता है कि उनके अंदर में ये काबिलियत नहीं है तो आप समर्थन की बात क्यों कर रहे हैं? फिर बोलिए कि समर्थन काबिल नहीं है, इसको समर्थन नहीं देंगे। आपको कहा हमने समर्थन उनको नहीं दिया जी, हमने समर्थन दिया है उनके उनके उस एजेंडे को, मुद्दे को पूरा कौन करेंगे? मुद्दे को तो पूरा मुख्यमंत्री दिया, हो रहा है वो, आप दोनों बातें क्यों कर रहे हैं? या तो आप बोले समर्थन दिया है, देखेंगे कि क्या काम करते हैं, फिर उस पे लेंगे। हमने वही कहा कि जिस तरीके से उन्होंने आवाम से वादे किए हैं, जिस चीज को लेके वो पब्लिक में गए थे, उसके उनको पूरा उम्मीदों को करने के लिए हमने उनको साथ दिया है। अगर वो उस चीज के ऊपर कर सकते हैं तो, लेकिन हमें जो आज लग रहा है जिस तरह का उनका बयान आया है, मुझे ये लगता है कि खुद वो उसके अंदर वो पूरी उम्मीद नहीं है, उनको अंदर अपने हाथ में कॉन्फिडेंस नहीं है, पहले सरकार बना आत्मविश्वास नहीं है उनमें कि वो काम कर पाएंगे। बिल्कुल 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 जी। चलिए, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी नेता हैं, वसीम अहमद गाजी साहब हैं। वसीम साहब, आत्मविश्वास नहीं है आपके नेता में, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, हमारे पास सारी समस्याओं का समाधान नहीं है, वो कह रहे हैं हमें खबर है कि यहाँ पे अफसरशाही हमें नहीं चलने देंगी, हमें खबर है कि लोग हमारे खिलाफ साजिश करेंगे, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी दिखाई देता है जो कह रहे हैं जावेद साहब। देखिए, आप पार्टी के लीडरान में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है, और इतना आत्मविश्वास है कि पहली बार तो उनका एक नज़रिया है कि ये एक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है और ये आवाम का मिशन है,
और जो उन्होंने ये कहा कि अब आप सरकार बना चुके हैं, जरा उसकी बात करें, जो सरकार बन के मुख्यमंत्री जी, जो जादू जो आपके मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं उसमें बात करें। उन्होंने जो बात कही है जी, उनको सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने कहा है कि ये जादू की छड़ी नहीं, ये एक प्रोसेस है। करप्शन को खत्म करना है, ब्यूरोक्रेट के तबादले होने हैं, जो पैसा फजूल खर्ची हो रहा था करप्शन जो तो आपने रामलीला मैदान में आज भी आपने भी किया, आप भी एक आराम से जाके राजभवन में चार मंत्री जाके शपथ ले लेते, मुख्यमंत्री शपथ ले लेते, आपने भी जो ये पैसा खर्चा किया ये भी जनता की पैसा का ही हिस्सा है। कुछ नहीं खर्चा हुआ है आप, उन्होंने तो उनको कुछ नहीं खर्चा हुआ, ये कहना तो बिल्कुल गलत है, कुछ खर्चा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि वो मेट्रो से आए हैं, उन्होंने उस मेट्रो में पूरे आपके समर्थक भरे हुए थे, हम लोग उसमें चल नहीं पाए। नहीं, उसमें क्या था कि जो उन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी, उन्होंने कोई लाल बत्ती नहीं मांगी, वो मेट्रो से आए हैं। अब जो प्रोसेस गवर्नर साहब आए हैं और जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या अरेंजमेंट किए हैं, उन्होंने तो कहा कि मेरी फैमिली भी आम आदमी में बैठेगी, मिनिस्टर भी आम आदमी की तरह से आएंगे, तो उन्होंने कोई खर्चा नहीं किया। अब अगर कोई प्रोसेस में गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के अफसरान ने खर्चा किया है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसमें एलजी साहब भी हुए हैं रामलीला मैदान में, फ्री के तमाम चीजें नहीं हुई है, नहीं वो बनाने से लेकर सुरक्षा के इंतजाम तक तमाम पैसे खर्चे होते हैं उसमें, वो इंतजाम में खर्चा किया होगा। अगर उसमें इसकी जरूरत क्या थी फिर, जो बात आप कह रहे फिर इसकी जरूरत क्या थी? उसमें कोई खर्चे के लिए नहीं कहा गया था, उनसे तो कहा गया था कोई आप खर्चा मत कीजिए, आम आदमी की तरह से आप वसीम साहब जो बात आप कह रहे हैं आप भी जानते हैं, मेरा सवाल उस पे नहीं है, लेकिन चूंकि आपने उस बात की चर्चा शुरुआत की इसलिए मैं पूछा कि खर्चा तो आपने भी किया, जो दिखावे का जिस दिखावे को आप लगातार जिस पे हमला बोलते थे वो दिखावा आपने भी रामलीला मैदान में शुरुआत भी की आपने। अरविंद केजरीवाल ने जब ओथ लिए उस वक्त तक उनके पास कोई पावर नहीं थी, उन्होंने पावर लेते ही ओथ लेने के बाद वो चीफ मिनिस्टर हुए हैं, और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने खर्चा खत्म कर दिया कि जो सेक्रेटरीएट की पूरी सिक्योरिटी हटा दी, पूरे जो फालतू खर्चे थे वो बिल्कुल एक घंटे में उन्होंने खत्म कर दिए, और उन्होंने खर्चे ही नहीं ली। ये आप चलिए, हम आपके बीजेपी के नेता भी हैं और अब विधायक भी हैं नंदकिशोर गर्ग जी, कुल मिला के आपने भाषण तो जरूर सुना होगा। अभी सुना क्या लगा, किस तरफ दिल्ली अब जो दावे किए गए थे वो दावे? केजरीवाल को पिछले 7-8 साल से जानता हूं जी, और कितनी कह रहे घमंड में आज इतने दिन आ गए, आज ही लगा दिया था आज का सीएम कल का पीएम, ये सारा जो खेल है बहुत बड़े खेल का एक हिस्सा है। मैगसेसे अवार्ड किसको मिलता है सब आप पत्रकार हैं मालूम है, एक इनकम टैक्स में नौकरी करने वाला आदमी 3 साल छुट्टी लेके जाए स्टडी के नाम पर जी, रिजाइन बाद में कर दे नेता बनने के बाद, बीवी आज भी वहीं है, और जिस डिपार्टमेंट में जो सबसे ज़्यादा करप्ट इस देश के, यही कहते हैं ना जी, करोड़ों रुपए कमाता मैं कमिश्नर होता था, तो आज इनकी सब बातें जो हिप्नोटाइज जनता से ज़्यादा तो आपके मीडिया कर्मी हैं जो सुबह से दिखा रहे हैं कि राखी बिड़ला मंगोलपुरी घर से निकल रही है। मैं ये पूछना चाहूंगा किसी भी व्यक्ति जो जवाब दे, बाकी तो हम विधानसभा में करेंगे बात, कि आदमी जो मादीपुर रहता है मंगोलपुरी रहता है कौशंबी किस लिए जा रहा है पहले? अनहर्ड, मैं भी 30 साल से प्रतिनिधि हूं जनता का, 83 में पहला चुनाव जीता था, मुझे जाना है ओल्ड सेक्रेटरीएट या रामलीला मैदान, मैं पहले जा रहा हूं। मैं व्यक्तिवादी राजनीति जिसके शिकार कांग्रेस रही है कि एक व्यक्ति से पूछ के चलेंगे, आज 45 साल का एक इंजीनियर पढ़ा लिखा अपने आप को क्लेम करना, व्यक्तिवादी कितना हो गया है थोड़े ही दिन में, 2 साल का सारा सोकाल संघर्ष है ना रामलीला मैदान में, हमने इनसे ज्यादा इन इसी अन्ना के लिए काम किया था, 1.5 साल में सब ये नेता बना दिए मीडिया ने, और पहले ही दिन कहते छड़ी नहीं, मनमोहन सिंह भी कह रहे मेरे पे छड़ी नहीं है, भाई चुनाव लड़ने से पहले कहता मेरे पे कोई छड़ी नहीं है, पानी भी नहीं दे पाऊं, दिल्ली की 40% जनता को चुनाव से पहले क्यों नहीं गया मेरे पास कोई समस्या, आपकी समस्या का समाधान नहीं है, पानी अभी पाइप वाटर नहीं मिल पा रहा है, तुम 700 लीटर फ्री किसको दोगे, जो बेचारा आज झुग्गी झोंपड़ी में रहता है जो 2 बाल्टी पानी के लिए झगड़ते हैं लाइनों में खड़े होकर। हम 83 से दिल्ली की ग्रोथ देखी, यार मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, आज दिल्ली की समस्याओं को हल करने के लिए 20 लाख वोट है इनके पास, 1.5 करोड़ की आबादी को आह्वान कर रहा है, और हमारे पास 22 लाख वोट है, कांग्रेस के पास भी आज भी 15-16 लाख वोट है, मिलके कर चलने का ये हालत है कि मुझे 8 तारीख के बाद सीएम डेजिग्नेट हुए भी 7-8 दिन हो गए,
क्या कर्सी आम आदमी का नाम ले रहे, कुर्सियां कितनी बिछी थी, वीआईपी कुर्सियां डली नहीं डली, कॉरपोरेशन का करोड़ों रुपया लगा सफेदी में रंग रोगन में, सफेद झालरें लग रही हैं, चादरें लग रही, मुफ्त में आ रहा सारा माल, आईटीए लगा के आप भी पूछ सकते हो, हम भी विधानसभा में पूछ, परंतु बहका के क्यों जनता को, सारी जनता को लोग लगातार बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं मीडिया कर्मियों से कहूंगा कि एक तो सच बोलना शुरू करें, आईटीआई को वो आईआईटी डिप्लोमा बोल रहे हैं किसी का, पोस्ट ग्रेजुएट आईआईटी वाले को आईआईटी दिल्ली का वो ग्रेजुएट बता रहे हैं, आप इनको ज्यादा वो दे रहे हैं, ग्लैमर दे रहे हैं, वस्तु स्थिति नहीं है, वस्तु स्थिति आपके सामने भी आ जाएगी और हमारे सामने है। आप मीडिया में, आपको नहीं कह रहा जैन टीवी को, पर ज्यादातर मीडिया इस ढंग से लेके चल रहा है जैसे कोई फरिश्ता उतरा है और 1.5 करोड़ दिल्ली की सारी समस्याओं को हल भी कर देगा। बिजली के लिए सबसे बड़ा संघर्ष दिल्ली हाई कोर्ट में पूरे शीला सरकार के मंत्रियों ने भी बोला टीवी, नंद किशोर गर्ग ने किया, 1.5 साल तक मुकदमा लड़ा और शीला सरकार के ऑर्डर वापस कराए। ब्रजेंद्र सिंह जिसके सारे नोट मेरे दिए हुए हैं क्योंकि शांति भूषण मेरा वकील, ये प्रशांत, टोटल लड़ाई हमने लड़ी आज बिजली आंदोलन का, कनेक्शन जोड़ना किसी के कटे हुए जी, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? किसी कानून का उल्लंघन करना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार केवल रुपए पैसे का लेन देन नहीं है, एक तो हमने सारी परिभाषाएं शायद हम दोबारा पढ़ना पड़ेगा अपने इस जीवन में, भ्रष्ट जमा आचार, कोई काम गैर कानूनी ढंग से करना भ्रष्टाचार है। और आज नई परिभाषाएं आप कुल मिला के आप ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं करे काम, चार पानी दे दे 700 लीटर किसको इतराज है, बिजली 50% रेट कर दे किसी को इतराज, आज भाई आपकी शुरुआत, सारा मुद्दों मैं कह रहा हूं, पहला मुद्दा मैं उसकी जगह होता या मेरी एडवाइस मांगे तो पहला प्रस्ताव दिल्ली को फुल स्टेट उड़का ले आए ताकि इसके पास पावर तो आ जाए, अदरवाइज लोकपाल बिल पेश नहीं कर सकता होम मिनिस्ट्री से बैठ के बिना, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ये नहीं कर सकता क्योंकि आईएएस कैडर इज कंट्रोल्ड बाय द होम मिनिस्ट्री या डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल। तो इस भाई को फिर ईमानदार अफसरों को कह रहा है मेरे को SMS करो कौन कौन ईमानदार है, अरे सारे ईमानदार अफसर हैं, जब तू जीत गया 25,000 से नई दिल्ली इलाके में 90% लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो वहां से तुम जीतते हो तो तुम्हें तो सारे ईमानदार लोगों ने तो जिताया है, उन्हें ढूंढने की जरूरत है SMS, एक सिस्टम बना हुआ है, एक सीनियरिटी सिस्टम से तो वो खुद ही आए हैं ब्यूरोक्रेसी, उस सिस्टम में काम करना पड़ेगा, कितना ही बोल लो, जाके खर्चे कटौती कर दीजिए, सुरक्षा हटा दीजिए, ये कौन होता है हटाने वाला जी, सेक्रेटरीएट की सुरक्षा हटाना है सीएम के, वो नहीं है, वो तो होम मिनिस्ट्री तय करेगी किसको कितनी सुरक्षा। चलिए आपको मिला के ये कहना कि आज की शुरुआत इसकी, कल जिस हिसाब से GTV ने दिखाया जो लक्षण नजर आ रहे हैं, मनीष भी कह रहा है हमें उम्मीद नहीं, हमें वो मिल जाए बहुमत मिल जाए हमारा, तो अभी शुरुआत कहाँ है, शुरुआत अभी नहीं हुई है, नाटक है केवल, अभी नाटक का एपिसोड चल रहे हैं, सीरियल है। नाटक के कुछ एपिसोड्स के पहले ये पुष्पेंद्र, आपने तमाम लोग कांग्रेस को भी सुना, उपेंद्र जी को भी सुना, आम आदमी पार्टी को भी सुना और नंद किशोर जी को भी आपने सुना बीजेपी की तरफ से, कह रहे नाटक की शुरुआत है ये और नाटक कह रहे हैं इसे। नहीं, मैं कह सकता हूँ कि गर्ग जी नाटक कह सकते हैं लेकिन इन चारों पांचों लोगों की बात में जो मुझे सीधी और कुछ कुछ बहुत सच्चाई के करीब लगती है वो मिर्ज़ा साहब की बात लगती है, और कांग्रेस पार्टी के नेता की हैसियत में मैं समझता हूँ जो और नेता हैं वो बड़े गोलमोल जवाब दे रहे हैं, कम से कम मिर्ज़ा साहब ने साफ साफ कहा कि ये जो 18 पॉइंट कहें इससे हटेंगे तो हम समर्थन की बात सोचेंगे। मेरा कहना ये है कि अभी आम पार्टी के लोग सड़क की पे खड़े होकर के आंदोलन की मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे, उनको लग नहीं रहा तो है, वो आंदोलन था भी नहीं, नहीं नहीं वो जो भी मैं आज की डेट में उसको ये नहीं, उसको के अनशन से शुरुआत हुई, मैं उस बहस में नहीं जा रहा दिलीप, हो सकता है उसमें बहुत सारे सवाल हो सकते हैं लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो जो सड़क के बाहर खड़े होकर के हर एक को ललकारना, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गडकरी हो, सबकी टोपी आप उछाल रहे थे, अभी तक आप उस मोड से बाहर नहीं निकले हैं। आज भी ये मैंने पहली बार देखा कि जिस मंच से मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिला रहा हो और राज्यपाल नीचे बैठा हो और आप राजनीतिक भाषण शुरू कर दें, ये मैंने पहली बार सुना है। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी आप करते, उसी मंच के ऊपर से राजनीतिक बातें हुई और आपने तमाम सारी बातें कही, और अब तक बात यह हो रही थी कि दिल्ली को
अब उन्होंने आज के भाषण में उन्होंने कहा कि हम भारत को सोने की चिड़िया बनाने जा रहे हैं, देश एक पूरे देश को वो सोने की चिड़िया। अभी दिल्ली की बात हो रही थी, दिल्ली पे बात केंद्रित थी, दिल्ली के लिए मैनिफेस्टो बनाया, दिल्ली में आपने संकल्प बनाया, उसमें आपने कई सारे मुद्दे उठाए। मेरा सवाल यह है कि बहुत सारे लोगों की जरूरत हो सकती है कि साहब उनको पानी नहीं मिल रहा और बिजली का 50% बिल, मुझे भी इस दिल्ली में 20-25 साल से ऊपर हो गए। मेरा पहला सवाल सिर्फ इतना है कि ये तथाकथित आंदोलन, चाहे उसमें अन्ना शामिल थे या और दीगर लोग थे, लेकिन ये भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ था। ये बिजली सस्ती होना और पानी सस्ती होना ये एक अलग इशू है। मेरा कहना है कि 24 घंटे हो गए, होने वाले हो जाएंगे अगले कुछ घंटों के बाद, 8-10 घंटे हो गए भ्रष्टाचार के मामले में। इस पूरी पार्टी में जितने भी लोग हैं इन सबको पता था कि शीला दीक्षित ने कितना पैसा खाया है, शुगलू कमेटी में उनका नाम है, राजकुमार चौहान क्या कर रहे हैं और तमाम सारी चीजें थी। और लगातार शीला दीक्षित पे एकमात्र जो उनका अटैक था कि हाँ वो भ्रष्टाचार हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, बिजली कंपनियों से कमीशन खाया वगैरह वगैरह। मेरा कहना यह है कि उनको आज इस काम के लिए कौन रोक रहा है कि शपथ लेने के बाद सबसे पहले कह सकते थे कि शीला दीक्षित और राजकुमार चौहान के खिलाफ आज ही मैं ऑर्डर करता हूं इंक्वायरी का, इसकी बात नहीं हो रही है। अब धीरे धीरे पानी 700 लीटर 50 वो अलग मामला है, टेक्निकल है, आप बात करें दे दें, लेकिन जिस मुद्दे पे इस आंदोलन को देश जानता है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जानता है। आज शीला दीक्षित के खिलाफ, राजकुमार के खिलाफ, हमको मालूम है आप 2G के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, हमको मालूम है आप कोल ब्लॉक पे नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन भाई ये दो मुद्दे तो आपके हाथ में है, इसकी इसका अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रहा है? आप पानी दें वो ठीक है, वो तो सबके हज की बात है, उसमें ना बीजेपी आपका विरोध करने जा रही ना कांग्रेस विरोध करने जा रही। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। मैं आम आदमी पार्टी की, जो हमारे साथ वसीम गाजी साहब हैं, उन्होंने कहा कि दो बातें हैं जो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हमने बिगुल बजाया है, जो आंदोलन शुरू किया, जो काम किया है, बिगुल बजाया है लेकिन जमीन पे क्या है, मैं कह रहा हूं आज क्या किया है। जो वो कह रहे कि हम इससे जो है भ्रष्ट और सांप्रदायिक ताकत, ये सांप्रदायिकता की बात, नया वर्ड केजरीवाल ने कहा कि सांप्रदायिक ताकत, चुनाव से पहले नहीं था गाजी साहब। ये मुझे पहली बात तो ये लग रही है कि जो हमारे ये दोस्त हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, बहुत ज़्यादा व्याकुल और परेशान हैं, और ये सोच रहे थे कि 1947 से हुकूमत करना ये सिर्फ हमारा ही हक है, हमारी मोनोपोली है। इनको नींद नहीं आ रही है, ये तो कल जी टीवी पे जो स्टिंग हुआ है, ये तो गवर्नमेंट जो है वो अभी नो कॉन्फिडेंस लाने के मूड में थे, जो आसिफ मोहम्मद खान ने, मतीन चौधरी ने और जो इनके दीगर जो लीडरान हैं उन्होंने कहा कि साहब हम तो जो है मजा ले रहे हैं, एक ने कहा हम तो इनको निपटा देंगे, एक ने कहा आवाम तो बंदर है, एक ने कहा कि साहब ये केजरीवाल बंदर है और जिन्होंने वोट दिया है वो भी बंदर हैं। तो जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस से किसी ने समर्थन मांगा नहीं था और अभी भी नहीं मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस समर्थन क्यों दे रही है। तो आपने कांग्रेस को क्या जल्दी थी कि एलजी साहब के पास जाकर, क्योंकि देखिए जब आप हमने चिट्ठी लिखी ना कांग्रेस भाजपा ने लिख के दे दिया पार्टी को चिट्ठी पहले, मुझे मौका दीजिए बोलने का जी। कांग्रेस मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस को ये मालूम है सांप्रदायिकता से लड़ाई के जो बिगुल आज मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद उन्होंने बजाया है, ये चुनाव से पहले नहीं बोला था दिल्ली के लोगों को। जो सांप्रदायिकता की बात है जी, वो उससे पहले आपको जो मैं जो बात कह रहा हूँ एक एक बात का जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो कांग्रेस को ये मालूम है कि अगर इलेक्शन हो गया दोबारा तो ये 8 सीट भी जो है उनकी जाएंगी, ये गलत ये तो तय है, ये गलत और, है। और मैं तो कहना ये करावे ना चुनाव, मुख्यमंत्री कल वो रिकमेंड कर सकते हैं कि मैं इस सरकार में दोबारा चुनाव चाहता हूँ। सवाल मामला ये सांप्रदायिकता, देखिए सांप्रदायिकता, देखिए हमने तो रिफरेंडम करा लिया आवाम से, आवाम ने बोला कि आप गवर्नमेंट, आपने सांप्रदायिकता की बात नहीं कही थी चुनाव से पहले। देखिए सांप्रदायिकता जो है आपको ये मालूम है जी के बीजेपी का जो मेन एजेंडा रहा है जी, वो उसकी जो बेस है, उसकी जो बुनियाद है, वो चुनाव से पहले कहना चाहिए था। हम बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी है और इनके सांप्रदायिकता से भी हम लड़ेंगे। वसीम साहब ये हिसार चुनाव में, उपचुनाव में भजन लाल जो हमारा सपोर्टेड हमारा पार्टनर है जी, अरविंद केजरीवाल उसको सपोर्ट करने के लिए खुले आम वोट मांगने के लिए पूरी टीम हिसार गई थी नहीं गई थी? देखिए ऐसा है कि हाँ या ना,
वो बेसिकली एजेंडा हो सकता है कुछ लोगों का। जब तक पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बनी थी समर्थन करने गई जी। ये एक बात आप सब जानते हैं हिंदुस्तान के लोग, ये कहने की बार बार जरूरत नहीं है, हर चैनल पे जरूरत नहीं है कि बीजेपी को हिंदुस्तान में एक कम्युनल पार्टी की हैसियत से जाना जाता है। नहीं नहीं, आप लोग जानते होंगे ऐसा, ये कोई टैग नहीं है लेके नहीं पैदा होती, आप जैसे लोगों ने चला रखा है, जाना जाता है। आप जाने को क्या कहते हैं, इस देश में मुसलमान भी कम्युनलिज्म में जाना जाता है, उसको आप नहीं आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपने एक एजेंडा बना रखा है, आपने कहा कि नहीं बीजेपी को जाना जाता है और कांग्रेस पार्टी जो पार्टी कहीं नहीं होती उसे कांग्रेस कम्युनल नजर आती है। आप अपने हिसाब से बीजेपी को अपने हिसाब से कांग्रेस को कम्युनल बताते हैं, आपका अपना एजेंडा क्या? अब आपके साथ मिलने गए थे जो दंगों का, हमारा जो एजेंडा है, हमारा एजेंडा सुन लीजिए जी, जो 1947 से लेके सवाल कि चुनाव से पहले आपने भ्रष्टाचार, महंगाई, उनसे मुद्दों से हटेंगे वो बस कर ली, और शपथ लेने के बाद आप सांप्रदायिकता की भी बात करने लगे। ये चुनाव, ये परिवर्तन के पीछे कोई ने कहा तारीफ की बीजेपी को, गाली दो तारीफ की कांग्रेस के ऊपर से गाली मिलके देते रहे। सवाल ये है, मैं कह रहा हूं कि एक ये सांप्रदायिकता का शब्द हम लोग भी आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति देख रहे हैं, इससे पहले तो आया नहीं था। और सांप्रदायिकता की समस्या कम से कम दिल्ली में तो फौरी तौर पे नहीं है, हो सकता है बिहार में हो और उत्तर प्रदेश में हो और महाराष्ट्र में हो, रामपुर और अलीगढ़ में हो, लेकिन यहां तो नहीं है। ये आज इस बात के कहने की क्या आवश्यकता थी भाई, और इसका कहां पे समस्या आ रही है? चलिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक तरफ से नया मुद्दा उछाला गया है, आप आम समस्याओं से उलझ हटकर दिल्ली की जो मूलभूत लोगों की जो है ना सुविधाएं जो देनी है उससे हटकर आप एक नेचुरल उसमें चले जाइए, और अब आप है ना पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करिए ताकि हम पे कोई राजनीति के तहत लोगों पे चली जाए। कि मिर्जा साहब जो बात कह रहे हैं वो रणनीति है और डील का हिस्सा है। चलिए उपेंद्र जी, वेलकम, सब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यहाँ से। आप जी सर, मैं चाहता हूँ ये डील के ऊपर बात हो, जो आज डील के ऊपर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जी छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।